हेलो दोस्तों, सेहत की बात में मैं तंत्रीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पेट में ज्यादा गैस बनने की अगर आपको समस्या हो रही है तो आपको आप जो अपना डाइट ले रहे हैं इसमें कुछ तो आपके कमी है, जैसे कि फल या सब्जी, इनमें से कोई तो ऐसी चीज है जो आप ज्यादा इंटेक कर रहे हैं या फिर कितनी मात्रा में लेनी चाहिए वो आप भूल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के गैस की समस्या के बारे में और जानेंगे कि इसका होम रेमेडी इलाज क्या है। पेट में गैस बनने की समस्या होना आज के समय में बहुत आम बात है। ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और हर दूसरे तीसरे दिन ये स्थिति बेचैन करने वाली हो जाती है। इस समस्या का जो सबसे मुख्य कारण है वो होता है डेफिनेटली खान पान। इससे जुड़े नियम या फिर उसका पालन नहीं करना और डेली लाइफ में शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहना। जो लोग सिटिंग जॉब में हैं उन्हें गैस की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि हर दिन कई कई घंटे बैठे रहने से डाइजेशन सिस्टम स्लो होने लगता है, जिसका असर गैस बनने और ब्लोटिंग की समस्या के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाता है। यदि आप भी गैस बनने की समस्या से परेशान हैं और इसका कारण जो भी है उसे बस ठीक करना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि गैस बनना, ब्लोटिंग होना, सीने पर जलन, एसिड बनना, इन सब के जितने भी समस्या और कारण हैं उसका रीजन क्या है और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंज करना है वो है रोटी नहीं, यानी कि चपाती नहीं, आपको राइस इंटेक ज़्यादा करना है। जब पेट में गैस बन रही हो तो आप चपाती, पराठा, पूरी, इन सब चीज़ों को खाने से थोड़ा बचें और इसकी बजाय आप चावल खाएं। खास तौर पर खिचड़ी, येलो राइस या फिर दही के साथ प्लेन राइस खाएं, लेकिन दाल चावल खाने से बचें, क्योंकि दाल चावल का कॉम्बो जो होता है वो ये बात बहुत उसमें मैटर करती है कि गैस बनने के दौरान आप कौन सी दाल खा रहे हैं। ज़्यादातर दाल खाने से गैस बनने की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। चावल में दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे में चावल खाने के बाद गैस बनने या पेट फूलने की समस्या जो होती है वो कम हो जाती है। यदि आपको रेगुलर बेसिस पर गैस से जुड़ी समस्या होती है तो आप अपने डाइट में ब्राउन राइस और बासमती चावल का सेवन कर सकते हैं। दूसरा बड़ा लाइफस्टाइल चेंज जो है वो ये कि आप जब दिन में लंच जो करते हैं उसमें आप दही इंक्लूड करना शुरू कर दें। दोपहर के खाने में अगर आप दही चावल का सेवन करते हैं और रात में दही खाने से आपको पहली बात तो हमेशा बचना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि गैस बनने की समस्या आपकी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएगी। दही में डाइजेशन को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिनको जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी भाषा में उन लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो दही में ऐसे एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज में क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको कुछ फलों का इनटेक ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि केला, पपीता, सेब, चीकू, अंगूर, अमरूद, आड़ू, ऐसे सभी फलों का आप सेवन करें। लेकिन यदि गैस के साथ सीने में भी जलन की समस्या है या आपको एसिड बनने की दिक्कत होती है तो खट्टे फलों के सेवन से आप प्लीज़ बचें। अब फलों की बात हो गई, अब अपने लाइफस्टाइल चेंज में आपको सब्जियां जो हैं वो अधिक से अधिक शामिल करनी है। हरी फलियां, साग, पालक, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, ये सब का सेवन आप रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन डीप फ्राई किए जाने वाले आलू, फूलगोभी, मटर, कटहल, ये सबको आपको थोड़ा सा छोड़ देना है। इन्हें खाने से आपकी डेफिनेटली जो है वो गैस बनती है और फिर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। जब गैस बहुत अधिक बन रही हो तो सैलेड के रूप में भी आप कच्चा टमाटर खा सकते हैं, लेकिन आलू टमाटर की सब्जी खाने से बचें। ये गैस, एसिड बनने और सीने पर जलन की समस्या को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट में ब्लोटिंग या फिर आपको सीने में जलन यानी कि एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल में आपको थोड़े से चेंजेस करने ज़रूरी है। हम सबको ये सारी जो जानकारी है वो पता होती है लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सटीक जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई थी और इस वीडियो को आप अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल गैस बनने की समस्या हर किसी को देखने को मिलती है। और जल्दी से NBT लाइव को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं।